हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ब्राइडल उपटन रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आपके स्किन को बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये उपटन आपको आज से ही यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, अपने फेस पे बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइडल ग्लो लाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस उपटन को बनाने के लिए हम सबसे पहले बेसन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ। बेसन आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को लाइटनिंग करने में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सैंडलवुड पाउडर ले रही हूँ, चंदन पाउडर, जो कि आपकी स्किन के पोर्स को टाइट करता है, आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है, एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो आपके स्किन को सूद भी करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिकोराइज पाउडर ले रही हूँ, मुलैठी का पाउडर, जो कि आपको इजीली कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। मुलैठी पाउडर आपकी स्किन को सूद करता है, सनबर्न को रिड्यूस करता है। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर ले रही हूँ। ये ऑरेंज के छिलके का पाउडर है जो मैंने घर पर ही बनाया है। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में जाके ज़रूर देख लें। इसमें आपको सारे स्टेप दिख जाएंगे कि मैंने इसे कैसे बनाया है। ऑरेंज पील पाउडर में विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन से डेड सेल्स को रिमूव करता है, ब्लैक एंड वाइट हेड्स को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। अब मैं यहाँ पर फ्लैक्स सीड पाउडर डाल रही हूँ। फ्लैक्स सीड पाउडर जो होता है उसे हिंदी में अलसी का बीज कहते हैं। उसे मैंने पाउडर बना लिया है मिक्सर में। ये आपकी स्किन वाइटनिंग में काम आता है, डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है, एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे आपके अगर एजिंग साइंस है तो वो भी रिड्यूस हो जाता है। लास्ट मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है जो आपकी स्किन को हील करने में हेल्प करता है। उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक होता है और आपकी स्किन को इवन आउट बनाता है, आपके रंगत को निखारता है। इस फेस पैक को आप अच्छी तरीके से मिला लें और इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख दें और जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसे अपने हिसाब से। इस उपटन को आप अपने फेस पे ही नहीं पूरे बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो एक ग्लोइंग स्किन पाने के लिए। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख दें ताकि ये ख़राब ना हो। ये 2 से 3 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसे यूज़ कैसे करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे कैसे यूज़ करें, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयली स्किन के लिए ये पैक बनाना दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पे इस फेस पैक पे दही ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप दूध ऐड कर लें। अगर आपके पास ऑरेंज पाउडर नहीं है तो आप इस फेस पैक में लेमन जूस ऐड कर लें। नींबू का रस भी आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितना ऑरेंज का छिलका है। मैंने इसमें दही ऐड किया है। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन से दाग धब्बों को दूर हटाने में हेल्प करता है। इस उपटन को आप हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करें। इससे आपकी स्किन से पिगमेंटेशन रिड्यूस होगी, एक्ने, पिंपल्स के जो मार्क है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और पिंपल्स आना भी बंद हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।